जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, फिर तुम कभी फंजुआ वीडियो मिस नहीं करोगे। सच्ची मुच्ची बोझो बाबा, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। मेरी पड़ोसन मिसेस कपूर है ना, हर महीने कुछ ना कुछ नया खरीद के लाती है और जान जलाती रहती है। मुझे इतने पैसे दे दो कि पूरे मोहल्ले में फालतू खर्चों में सबसे आगे रहूं मैं। हो जाएगा बेटी, और कुछ? अरे वो चड्डा की 18 साल की लड़की ऐसे मटक पटक के चलती है ना कि सारे घुर घुर के उसे ही देखते हैं। मुझे भी ऐसी जवानी दे दो कि पूरी दुनिया मुझ पर ही पागल बनी रहे। पर जवानी तो आप में अभी भी कुछ कम नहीं है श्रीमती मिमी। रियली? अरे बेशक, बाबा जी के नजर से देखो, बाल पक गए हैं लड़कियों के प्रॉब्लम्स हैंडल करते करते। हम क्यों झूठी तारीफ करेंगे आपकी। आप भी तो एक भक्त ही हो, कभी फुल टाइम भक्त बन जाइए तो आपको सारी बातें समझा दे। क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप अपना दुखड़ा सुनाते रहिए। बोझो बाबा जी के पास सारे सॉल्यूशंस है, बालों की कसम। बाबा जी? हाँ बेबी जी। बाबा जी आप समझ नहीं रहे हो, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स है। एक हो तो बताऊं, एक ही बार में ऐसी कुछ छड़ी घुमा दो कि अंधाधुंध पैसा आ जाए। आ जाएगा आ जाएगा, घुमा दी छड़ी। मुझे इंडियन आइडल में विनर बना दो, कौन बनेगा करोड़पति, और बिग बॉस में भी टॉप करा दो, मतलब कि इतना फेमस कर दो कि अमिताभ बच्चन और सलमान खान के साथ मेरा उठना बैठना हो। हो गया समझो, अगले साल के वैलेंटाइंस डे पे सलमान खान आपको डेट करने के लिए पागल हो जाएगा। आप हीरोइन ना बने तो बाल मुंडवा लूंगा। क्या बात कर रहे हो, सच? हाँ सच। वैसे आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल डेट पे चलेंगी? क्या बाबा जी आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो, आप बाबा हो ना? हाँ तभी तो। मतलब? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बकते रहो, हम दक्षिणा का बिल बनवाते रहते हैं। बाबा जी सलमान खान और मेरा टाका भेड़ सकता है, मतलब ये तो अलग लेवल का हो जाएगा। ये सच में हो पाएगा क्या? मेरे तो अभी से पैर कांप रहे हैं। बच्ची ये बाल ऐसे ही लंबे नहीं हुए, 20 साल का एक्सपीरियंस है बाबा बनके। क्या समझे, हजारों भक्तों की लव लाइफ सुधार दी है मैंने, कितनी बार खुद को वॉलंटियर किया है। बाल सफेद ऐसे ही नहीं होते, तजुर्बे से होते हैं। बालों की कसम, आप हमारे पावर पे शक कर रही है। ये बाबा ये क्या, आपके बाल तो नकली है, आप तो कह रहे थे आपने 20 साल से उगाया इनको। मतलब बेटी ये मेरे ही बाल है, हाल ही में गंजा होके इसका विग बनवा लिया। वैन डीजल आया था ना दीक्षा लेने के लिए, गर्मी बहुत होती है दिन भर बैठे बैठे। अबे बेवकूफो उल्लू के पट्टो, कितनी बार कहा है अच्छे क्वालिटी का विग खरीदा करो, भक्तों के सामने एक दिन पोल खोल दोगे तुम लोग। अब जल्दी से सेट कर दो मजबूती से। हाँ तो और क्या प्रॉब्लम है बेटी? प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स बाबा जी, जो भी स्मॉल साइज के कपड़े खरीदती हूँ घर आते आते ही छोटे हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बच्ची ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, क्या कहे, ये मॉल वाले भी कपड़े चुरा लेते हैं। खैर अब तो बिल्कुल मोटी नहीं है। बाबा जी आपका 20 साल वाला विग वापस गिर गया। ओहो कोई नहीं, फिर से लगवा लेते हैं। आप हम पे दक्षिणा चढ़ाने का सोचो, हम बाल चढ़ा लेंगे, रोज का काम है। अच्छा ऐसा क्या? आप कह रहे थे कि आपके कपड़े छोटे होते रहते हैं, कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, आध्यात्मिक भावनाओं से अपने मन को ढकिए, भक्ति से आ जाइए हमारे आश्रम पे। क्या पुलिस, पुलिस रिपोर्टर, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, एक और बाबा। क्या जरूरत थी फिर से बकवास करने की, अब मैं 20 साल यहाँ चक्की पीसूंगा रोजाना 20 रुपए के पगार में। मैं तो गया, मेरी लाइफ झंड हो गई, कोई बाबा ही मुझे बचा सकता है अभी तो।